इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। पंजाब में एक बहुत शानदार लेकिन गुमनाम स्मारक है, पटियाला का किला मुबारक। ये किला सदियों तक पटियाला रियासत की शानो शौकत का प्रतीक रहा। 18वीं शताब्दी में ये किला पंजाब में लाहौर के बाद सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र रहा। सिर्फ यही नहीं, सन 1763 में इसी जगह पर वो शहर बसाया गया जो पटियाला के नाम से मशहूर हुआ। ऐसे गौरवशाली इतिहास के बावजूद इस शाही स्मारक को देखने बहुत कम लोग आते हैं। पटियाला का मतलब है आला की भूमि। ये नाम मशहूर सिख योद्धा बाबा आला सिंह के नाम पर पड़ा है। बाबा आला सिंह ने ही 1760 के दशक में इस रियासत की बुनियाद रखी थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सल्तनत के कमजोर पड़ जाने के बाद पंजाब छोटी छोटी रियासतों में बट गया, जिसे मिसल कहा जाता था। उनमें से एक थी फुल्कियां मिसल। बाबा आला सिंह का संबंध फुल्कियां मिसल से ही था। उथल पुथल के उस दौर का फायदा उठाकर बाबा आला सिंह ने अपने लिए एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। बाबा आला सिंह की पहली राजधानी बरनाला थी, जो पटियाला से 100 किलोमीटर दूर है। उन्होंने 12 फरवरी सन 1763 में अपनी नई राजधानी की बुनियाद रखी थी, जो आगे चलकर पटियाला के नाम से मशहूर हुई। बाबा आला सिंह ने वहां एक कच्ची गढ़ी का निर्माण किया था, जिसे उनके उत्तराधिकारियों ने बाद में किला मुबारक में तब्दील कर दिया। बाबा आला सिंह के उत्तराधिकारियों ने यहीं से पटियाला की हुकूमत चलाई। इस किले के सबसे पुराने हिस्से में, जहां बाबा आला सिंह ने कच्ची गढ़ी बनवाई थी, वहां एक अखंड ज्योति भी है। ये पवित्र ज्योति हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाई गई थी, जो पिछले 250 वर्षों से लगातार जल रही है। ऐसी मान्यता है कि ये पवित्र ज्योति ही पटियाला शहर की निगहबान है। किला मुबारक परिसर में कई भवन हैं, जैसे किला अंदरून, रनबासा, दरबार हॉल, जलाओ खाना, सर्द खाना, किला मुबारक द्वार और चहार दीवारी। किला मुबारक द्वार ही किला मुबारक परिसर में जाने का एकमात्र रास्ता है। ये रास्ता एक बड़े चौक तक ले जाता है, जिसे अंदरून चौक कहा जाता है। अंदरून चौक से ही किला मुबारक की भव्यता को महसूस किया जा सकता है। किला मुबारक का प्रवेश द्वार लाल बालू पत्थर से बनाया गया है। अंदरून चौक में एक भव्य द्वार है, जो किला अंदरून की तरफ जाता है। इस द्वार पर प्लास्टर की चिनाई का बेहद पुख्ता काम किया गया है। एक मेहराब वाला रास्ता है, जो परिसर की तरफ ले जाता है। किला अंदरून में शाही खानदान के लिए भवन बने हैं, जैसे रंग महल, शीश महल और चार बाग। कुछ सालों पहले इन भवनों की मरम्मत करवाई गई थी। किले में एक शानदार दरबार हॉल भी है, जहां भव्य झूमर और चांदी की बग्गी देखी जा सकती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा पटियाला ने भीड़भाड़ से घिरे किला मुबारक को छोड़कर 500 एकड़ में फैले मोतीबाग महल को आबाद कर दिया। पटियाला के सबसे मशहूर महाराजा महाराजा भूपेंद्र सिंह ने यहीं से पूरी रियासत पर शासन किया। उस समय किला मुबारक का इस्तेमाल त्योहारों, दरबारों और शाही खानदान के धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद पटियाला रियासत को पंजाब राज्य में शामिल कर दिया गया। महाराजा यादवेंद्र सिंह ने किला मुबारक भारत सरकार को सौंप दिया। एक लंबे समय तक ये उपेक्षा का शिकार होकर बर्बाद होता रहा। कुछ सालों पहले किला मुबारक की मरम्मत की शुरुआत की गई। अब उसके एक हिस्से को होटल में तब्दील करने की योजना है। आशा है कि इसी के साथ किला मुबारक के इतिहास का एक नया दौर शुरू होगा।